चलो मस्त से अपनी चाय भी यहाँ पे बनने को है तो भाई दोस्तों ना अभी यहाँ ना उल्टी सीधी आवाजें सुनाई दे रही है जैसे कि नेगेटिव एनर्जी होती है ना भाई लोग तो कब से कह रहे हैं कि आवाज आ रही है बट रहेंगे तो कोई बात नहीं वो देखो भाई साफ सुनाई दी भाई क्लियर दोबारा आएगी देखो वो देखो आ रही है ना आवाज आ रही है भाई दोस्तों कसम से ये मजाक नहीं है कुछ नहीं है ऐसे लग रहा है ना कुछ आवाज आ रही है भाई वो देखो भटकती है वो देखो हेलो एवरीवन प्रणाम पहला नमस्कार आप सभी को तो कैसे हैं आप सब उम्मीद है सब बढ़िया होंगे मस्त होंगे स्वस्थ होंगे तो स्वागत है आपका एक और प्यारे से कैंपिंग व्लॉग में तो काफ़ी मज़ेदार सा व्लॉग होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा होने वाला है तो बने रहिएगा वीडियो में उससे पहले सबसे पहले आपका काम की वीडियो को लाइक कर दे शेयर कर दे और कमेंट करना ना भूले और सब्सक्राइब करना तो ना ही भूले तो जो भी नए हमारे फैमिली से जुड़ रहे हैं नए चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और आगे की ओर चलते हैं तो जिस लोकेशन पे हम जाने वाले हैं ना तो दरअसल वो लोकेशन वो ऊपर रही तो उस पहाड़ी पे मेरे को चढ़ना है तो यहाँ से ठीक लेके और ऊपर को चढ़ेंगे और चढ़ते चढ़ते वहाँ तक पहुँचेंगे भाई दोस्तों फल देखो भाई दोस्तों आपको अगर ये फल दिख रहा होगा ना तो काफ़ी लाल हो रखा है और ये फल है जंगली हल्दी का तो देखो कुछ इस प्रकार हो रखा है बिल्कुल लाल अनार के दाने की जैसे हो रखा है इसका टेस्ट बिल्कुल भाई सॉस की तरह हो रहा है तो जैसे सॉस होता है ना सेम वैसा टेस्ट हो रहा है इसका हाँ सेम सॉस की तरह हो रहा है भाई पर ऐसे ही ना किसी भी फल को नहीं खाना चाहिए जिसके बारे में पता ना हो वैसे तो हमको पता है ये हल्दी है हल्दी का फल पर हल्दी पे कभी हमने फल नहीं देखा कि कैसे होता है तब जाके इसको नहीं खाएंगे काफ़ी लाल दिख रहा है मुंह में पानी आ रहा है भूख के मारे बट सहन करेंगे अभी जब तक हम कैंपिंग के लोकेशन पे ना पहुंच नहीं पाते हैं तो चलो भाई दोस्तों फाइनली ना चलते चलते एक ऐसी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं ना कि यहाँ काफ़ी सारा घना जंगल है भाई तो यहाँ से हमको ना पानी भरना है तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पे संतोष भाई और दीपू भाई और एक नए भाई हैं अपने तो आज हम भाई जंगल ट्रैक करते करते इस जगह पे पहुंचे हैं भाई बहुत खतरनाक वाली लोकेशन है काफी खतरनाक है ना यहाँ को रात को मेरे को लग रहा है ना जानवर आते होंगे ना पानी पीने के लिए बाघ देखा हमने हाँ और सबसे मेन बात भाई दोस्तों जब मैं आ रहा था ना अकेले अकेले तो मैंने बाघ देखा उसके बाद मैंने संतु भाई को कॉल किया क्योंकि आमने सामने थे ना एक एक पहाड़ी का फासला था तो आधे टाइम बाघ देख दिया भाई मेरे को मतलब फ़ोन खोलने तक का टाइम नहीं मिला इतनी खतरनाक स्पीड में गया ना ऊपर को क्योंकि मैं डाउन में था और वो था ऊपर पहाड़ी पर ऐसे पत्थर पर तो तब जाके भाई काफ़ी खतरनाक सीन हो गया था चलो भाई जल्दी से अपना टेंट पिच कर दिया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और ओस भी गिरने लगी है ना तो सर पे ऐसे ठंडा ठंडा लग रहा है कि काफ़ी खतरनाक वाला और सामने आपको दिखेगा ना तो सामने देख के ना ऐसा व्यू लग रहा है जैसे कि ना सुबह के 6 बजे होंगे और लालिमा निकलने लगी है सूर्य की तो कुछ ऐसा हो रखा है भाई सीन शान देखो कितना मस्त लग रहा है ना और सुबह का जो व्यू आने वाला है ना तो व्यू बिल्कुल तगड़ा आने वाला है यहाँ से तो बाकी व्यू आपको सुबह दिखाएंगे फिलहाल के लिए भाई दोस्तों मस्त से आग भी जली गई है
तो भैजी लोगों ने आग जलाई और हम लगे थे टेंट पिच करने में, तो साइड में ना अपना टेंट भी लग गया, बट उसके अंदर ना अभी लाइट नहीं लगाई, क्योंकि लाइट ना सामने लगाई है तो बिल्कुल चंदा मामा सा लग रहा है। यहाँ से ठीक है चारों तरफ जाएगा, वैसे टेंट के अंदर हमको लाइट नहीं चाहिए फिलहाल के लिए। और साथ ही साथ में ना पहले प्रेशर का हाल समाचार करते हैं भाई। प्रेशर की ना काली मिट्टी द्वारा है, काली मिट्टी द्वारा, क्योंकि ना इसकी फिर तबीयत खराब हो जाती है सुबह को। तो इसको ऐसे करना है ना कि बिल्कुल खतरनाक हो जाए, सुबह को ये बिल्कुल भी बीमार ना पड़े इसकी। सामने भाई दोस्तों आपको दिख रहा होगा ना, तो एक तारा गहना होता है ना, गांव में बोलते हैं तारा गहना ही बोलते हैं भाई जी, तारा है ना, तो वो सबसे पहले आते हैं, मतलब सारे तारों से ना सबसे पहले आते हैं। आपने केतली की चाय तो पी होगी ना, बट प्रेशर की चाय हमारे, अगर हमारे साथ कैंपिंग में जुड़े हो ना तो कुछ भी हो सकता है। तो चलो मस्त से अपनी चाय भी यहाँ पे बनने को है, तो उबाल तो आ गई है, पर सैफ साहब अभी मानने को तैयार नहीं है। सैफ साहब बोल रहे हैं जब तक इसका पसीना पसीना नहीं निकलेगा ना तब तक चाय में स्वाद नहीं आने वाला भाई। इस दूध को ना यहाँ पानी में डाल देंगे तो ये सुबह तक फटेगा नहीं, सुबह हमको चाय भी पीनी है, तो ये यहाँ अपने आप रहेगा भाई। पर ये नीचे नहीं दब रहा, इसको पत्थर से दबाना पड़ेगा। अब देखो जंगल में कुछ ऐसे ऐसे करके ना, कुछ ऐसे ऐसे करके भाई काम करना पड़ता है। ये लो अब ये दूध, और रे भाई पानी बहुत ठंडा है भाई, पानी बहुत ठंडा है। हाँ धैर्य दिया होता चलो भाई दरियाल के ना। हाँ बिल्कुल भाई साहब, दारा अभी के टाइम पे जो है कि भाई चाय भी रख रही है एक गिलास भाई में। भाई साहब जंगल की चाय कुछ और है यार। तो चलो भाई चाय भी बन के रेडी हो चुकी है, तो चाय भी पी लेते हैं। और ये जो सबसे बड़ा वाला गिलास है ना, तो वो गिंदू बुआड़ा का गिलास है, मतलब हमारे गिंदू बुआड़ा आज के ना दीपक भाई है। तो फिलहाल भाई दोस्तों आज ना हमारे पास कुछ ऐसा यंत्र आ रखा है, तो भेजी ला रखे है कुछ ऐसा यंत्र कि ये चंद्रयान 4 को ना यहाँ से देख सकता है भाई। इतना खतरनाक यंत्र है कि ये देखो पूरा क्लियर और क्लियरिटी दिख रही है। फिलहाल भाई दोस्तों ना यहाँ पे आज हमारे डिश में है वही खिचड़ी बनाएंगे, तो बड़ा प्यारा सा माहौल बना हुआ है अभी। और अपने पप्पू भैजी और अपने दीपू भाई खिचड़ी बनाने के उस्ताद, और हम बाकी जाएंगे संतु भाई और मैं चावल धोने भाई। तो चले संतु भाई, इस तरीके से भाई दोस्तों जंगल में ना पूरे चावल धोने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास ना आज बर्तन पूरे नहीं है, तो इस ऐसे करके ना यहाँ से पानी निकाल रहे हैं और यहाँ डालेंगे इस पानी को, और इसको कलच करके और धो देंगे भाई बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और पानी इतना ठंडा है ना, कसम से हाथ ऐसे ठंड कर रहे हैं बिल्कुल। तो इसको करके ऐसे करके क्या ऐसे करके धुलेंगे इसको बड़ा प्यारा तरीके से। तो पानी भाई इतना ठंडा हो रखा है ना दोस्तों, काफ़ी ख़तरनाक। और इस तरीके से ना चावल धुल रहे हैं हम, तो ये हमारे कंट्रोल वाले चावल हैं बिल्कुल, जिनमें ना दो चार घ्यून भी पके रहते हैं, तो ये स्वाद को डबल कर देते हैं संधु भाई। सही बात है। खाने के स्वाद को ना ये बिल्कुल डबल कर देते हैं, तो इस तरीके से ना धुलना पड़ता है इनको। बाकी दोस्तों आज के सैफ साहब हमारे ना, तो अपने परवीन भाई जी हैं आज के सैफ, और इनका ना अपना डीजे साउंड है, तो अपना उसके उससे बताओ भाई कि मतलब जिससे ना कॉन्टेक्ट कर सके। नंबर है मेरा भाई साहब, अपना नंबर बोलो फिर। 8800 हाँ 64619494। तो कांटेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल डिस्काउंट से ही, तो आपको ना डीजे की वो मिलेगी। और रिक्वायरमेंट ऐसे रहेगी, आपको 4 बजे तक बजाना है, आपको 10 बजे तक बजाना है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डीजे बजेगा भाई, और वो ही डीजे आज यहाँ बजने वाला है हमारे कैंपिंग में। तो आपको थोड़ा सा देर में ना
मनोरंजन दिखेगा। तो फिलहाल अभी पहले अपनी खिचड़ी बनाती है, 100 सेरे की खिचड़ी। हमारे ना प्रकृति ने कुछ ऐसी टेबल दी है कि यहाँ पे हमारा पूरा भाई साहब पूरा गोदाम बना पड़ा है। यहाँ पे मसाले हैं, तेल है भाई साहब। यहाँ पे ये ना संतोष भाई का ना ये खानदानी वो है जिसको वो बोलते हैं ना नून मंत्रने वाला, क्या बोलते हैं उसको। तो वो है ये भाई दोस्तों। और साथ ही में ना यहाँ पे धनिया वनिया काफी सारे पेस्ट वेस्ट है, सारा खड़ा मसाला यहाँ पे लगा हुआ है। और साथ ही में यहाँ पे ना प्याज टमाटर और लहसुन और अदरक और मिर्ची और सारी चीजें ना काफी सुंदर तरीके से रखे हुए हैं। तो ये अपना प्रकृति वाला टेबल है और यहाँ पे अपने प्रकृति के गोद में पले बड़े दो शेर जो कि अपने सैम है भाई। साथ ही भाई खिचड़ी में ना कुछ अलग अलग मसाले डाले जा रहे हैं, तो बाबा जोगाणी महाराज की और बाबा तुंगनाथ महाराज दोनों लगे पड़े हैं एक तरफ से भाई। काफी खतरनाक डिश बनने वाली है आज तो, बिल्कुल घबरोल हो रखा है। अभी फिलहाल प्रेशर भी बोल रहा होगा किसके हत्थे चढ़ गए। क्वांटिटी भाई साहब ऐसे जा रही है ना मसालों की कि जैसे पेट फाड़ सुबह बंदोबस्त होगा, मेरे को ऐसे लग रहा है। भाई ओ भाई भाई दोस्तों ना अभी यहाँ ना उल्टी सीधी आवाज़ें सुनाई दे रही है, जैसे कि नेगेटिव एनर्जी होती है ना। नेगेटिव एनर्जी तो नहीं बोलेंगे हम, बट यहाँ ना लेडीज़ जैसे एक दूसरे को बुलाते हैं ना ऊ करके ना, ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही है। वो देखो भाई साफ सुनाई दी भाई, क्लियरिटी सुनाई दे रही है। संतु भाई भी देखो यहीं पे है, वो देखो सुनाई दी ना। इस बार कैसे आई, जैसे ऐसे नहीं कर दी जाने। वही तो दोबारा आएगी देखो। हाँ वो देखो आ रही है ना आवाज आ रही है भाई दोस्तों, कसम से ये मजाक नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ देखो ऐसे लग रहा है ना, कुछ आवाज ही आ रही है भाई। वो देखो आवाज ही आ रही है भाई, ये कोई एडिटेबल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कसम से मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए ये आवाज सुन के। ऐसा लगता है लेडीज जैसे आवाज मारती है ना एक दूसरे को, वैसी आवाजें मारती है। तो माँ की कसम, ये तो साबित हो गया है कि भाई ऐसी आवाजें तो आ रही है, फिर आ रही है पीछे से। ऐसा लग रहा है ना कि कोई औरत किसी को बुला रही होगी भाई, तो कभी ऐसा लग रहा है ना कि कुछ रोने जैसी आवाज, और शायद मुझे लगता है ना कि किसी की आत्मा भटक रही होगी ना, है ना। हाँ, यही हो सकता है भाई। भाई दोस्तों मैंने आपने सुन लिया ना आवाज तो है वो देखो। हाँ, आवाज है भाई दोस्तों ना, लगातार मतलब एक ही उस पे ना आवाजें, बहुत सारी आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है ना कि दूसरी लेडीज ना किसी को बुला रही है। जैसे मैं अपने ब्लॉग में कहता रहता हूँ कि हम ना जंगल में जब गुम जाते हैं ना, तो कुछ इस तरीके से अपने आवाज से ना दूसरों को बुलाते हैं, तो वो आवाज आ रही है। अब संतु भाई तुमको भी सुनाई दिया ना। हाँ। तुमको भी सुनाई दिया बट मतलब ना क्लियर, मतलब ऐसा कह नहीं सकते हैं कि मतलब कुछ ऐसी नेगेटिव हो रही होगी ना। हाँ। जब तक हमसे क्लियर कुछ चीज नहीं होती तब तक हमको विश्वास नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले ना दोनों भाइयों ने सुनी, तो पप्पू भाई और दीपू भाई बोल रहे थे कि हमने कहा हमको नहीं सुनाई दे रही भाई, बट इन्होंने बहुत पहले सुन ली थी जब हम यहाँ पे एंटर हुए है ना, तो तब से इन्होंने सुन ली थी, बट हम दोनों को ना अब सुनाई दी जब ये ना लगातार लगा हुआ है। बिल्कुल, तो चलो कोई बात नहीं, खिचड़ी खाते हैं अब। पर कोई बात नहीं, हम बोलते हैं ना कि हमारे इष्ट देव हैं, पितृदेव है, हम ना देवभूमि में निवास करते हैं, तो ये चीजें होना आम बात है, बट इनको सीरियसली नहीं लेंगे। सबसे पहले ना दोस्तों हम जंगल में कुछ भी खाना बनाते हैं ना, तो सबसे पहले ना थोड़ा सा खाना साइड रख देते हैं, क्योंकि जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी, कुछ भी एनर्जी होगी, जिनको जो भटकते हैं ना जंगलों में, तो उनके लिए ये चीजें अलग रखनी पड़ती है। तो भाई जी रख देंगे साइड में। हाँ इधर को ही रख दो, जहाँ को आवाज आ रही है ना वहीं को रख दो, बस बस ज्यादा दूर मत जाओ, यहीं पे रख दो। वो देखो कभी होता था आवाज आ रही है, कोई मर जाते थे जब यहाँ। हाँ, क्योंकि यहाँ खेत भी है, गौशाले भी है ना उस टाइम की। नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो होता है। जैसे कि कई बार ना हमारे किसी बड़े बुजुर्ग पे जैसे शक्ति प्रवेश हो जाती है ना ऑटोमेटिकली,
तो कहते हैं फिर कि हमारा काम नहीं हुआ, काम है, नहीं हुआ है, हम ना जंगल में मरे थे, भटके थे, भटके थे, तो ये शायद वो लगते हैं भटके भटके वही वही है शायद ना, नुकसान नहीं करते हैं ना, ना ना नुकसान कोई नहीं। तो फिलहाल तो भाई सभी के लिए खिचड़ी रखते हैं, फिलहाल ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है, बट थोड़ा सा शॉक्ड वाली बात थी कि अचानक ना अचानक हम दोनों को भी ये आवाजें सुनने लग गई और तब जाके ना हम शॉक्ड हुए कि बिल्कुल बराबर तरीके से ना आगे से आवाज दे रहा है, जैसे कि अगर हम यहाँ से आवाज दे देंगे ना तो ऐसा लग रहा है कि सामने आ जाएगा कुछ, ऐसा ऐसा हो रहा है, तो इसलिए हम भी ना कुछ नहीं कर रहे हैं, हम चुपचाप हैं, तो जैसे ऐसे ही लग रहा है वहाँ से कि ना कि वहाँ से इशारा दे रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ तुम कहाँ हो, ऐसा वाला इशारा आ रहा है, जैसे जंगल में बकरियां चराने आते हैं ना, तो वो वाला है, तो ये बहुत वैसा सीन है। तो चलो फिलहाल अभी खिचड़ी खाते हैं, तो खिचड़ी भी अपनी मस्त से बन गई है, और ज्यादा ध्यान मत दो उन चीजों पे, ज्यादा ध्यान दोगे ना तो वो चीजें और ज्यादा होगी। से आ रही थी ना आवाज उस टाइम, तो उस टाइम यहाँ से आ रही थी भाई, इस साइड से आ रही थी आवाजें, तो ना जब से हमने खाना रखा है ना तो तब से वो आवाज भी बंद हो गई है। तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है गांव के ऐसे जंगलों में ना कि ऐसा ही होता है कि वो ना एक प्रकार से या तो खाना मांगने आती है या तो कुछ करने आती है ना, तो अपना एहसास बताती है कि हाँ हम भी हैं इधर। तो फिलहाल अब हमने खाना भी खा ही लिया है, तो अब इनका अपना एंजॉयमेंट चल रहा है, तो इनका एंजॉयमेंट दिखाते हैं, लोगों पे रेड लगाओ यार और यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये देखो, और यहाँ देखो, यहाँ अपना ना बॉनफायर भी बिल्कुल बढ़िया से जल रहा है। तो पहले हम इसको नहीं जला रहे थे, पर फिर हमने कहा चलो जला ही लेते हैं, तो कितना मस्त लग रहा है। और यहाँ देखो भाई जी और ना अपना मस्त जाली के गहरा गैली जाली दूड़िया गैली जाली दूड़ी रे बहुरा गैली जाली दूड़िया ठीक निजी ने रे दूरा मिनी कौती के जाने या ओहो सुशीले बहु इले को ठीक जाने या ओहो और भाई ये बैठे हैं हम आराम से अपने ना चैनपुर के जंगल में, तो काफी मस्त सा माहौल बना हुआ है, और अपने भाई लोग इतने इंजॉयमेंट वाले हैं ना कि मतलब साथ में लग नहीं रहा है कि हमारे साथ ना 40-40 साल के उम्र के ना दो लोग हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हमारे 18 साल की उम्र वाले हैं भाई। अभी भाई दोस्तों काफी इंजॉयमेंट करने के बाद ना सारे अपने मस्त से बैठ चुके हैं, और थोड़ा सा यहाँ ना नेटवर्क इतना अच्छा है ना कि मस्त से वीडियो देख रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, और साथ में बॉनफायर भी बिल्कुल बढ़िया से जल रहा है। तंबाकू के लिए कोयले बन गए, हाँ जो जो बूढ़े आदमी तंबाकू पीते हैं ना उनके लिए ना मस्त कोयले बने पड़े हैं भाई, इनमें ना तंबाकू इतना मस्त पिया जाएगा, पर यहाँ कोई तंबाकू पीने वाला है ही नहीं, हम भ्रमण पे जा रहे हैं, तो चले भ्रमण पे।
तो चलो थोड़ा सा खाने का पाचन करेंगे, क्योंकि हमने खिचड़ी खाई है और वो भी दबा दबा के खाई है मस्त से। तो चलो जरा इस खिचड़ी का भी पाचन करते हैं और थोड़ा सा आगे तक ना एक आध किलोमीटर तक राउंड मारते हैं चारों भाई, तो घूम घाम घाम के भी आ जाएंगे। और फिलहाल इन्होंने फिर से गाना लगा दिया है, तो ये मस्त से गाना फिर से एक डांस होने वाला है, देखो पक्का एक डांस होने वाला है। गन्ना लाई रे अलबेले तांगे वाले, लंबारी मैडम लंबा तेरी जान कसम ले लंबा, देरू लंबा तेरी जान कसम ले लंबा, और क्या लेगा रे अलबेले तांगे वाले। ओ ओ सौरभ तो गन्ना लाई रे अलबेले तांगे वाले, लंबाई में लंबा तेरी जान कसम ले लंबा, लंबा तेरी जान कसम ले लंबा। अभी तक ना दोस्तों सबके मन में खौफ हो रखा था, अब पूरा एंजॉयमेंट में ना सब कुछ अलबेले तांगे वाले, अलबेले तांगे वाले, लंबा तेरे जान कसम ले चिपके, दिखे रे मैडम चिपके तेरी जान कसम ले चिपके, लेगा रे अलबेले तांगे वाले। तो यहाँ पे देखो भाई दोस्तों, अभी हम जंगल में घूमने के लिए आए थे ना, गश्त पे आए थे वैसे घूमते घामते, तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा गोल घेरा सा है ना, तो हमको लग रहा है यहाँ पे मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे ना हमारे कुलदेवी का मंदिर भी है जो कि बहुत प्राचीन है। तो तब जाके यहाँ पे देखो कितना मस्त सा बनाया है गोल घेरा, और अंदर शायद हमारे हिसाब से कुछ होगा, बट अभी देखने का मन नहीं कर रहा है, तो अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है भाई, खजाना तो नहीं बट त्रिशूल विरशूल मिल सकते हैं यहाँ पे। कितना खतरनाक जंगल है, तो इतने ऊपर आए हुए हैं हम। भैजी सुंगुर, सुंगुर सुंगुर आई सुंगुर भैजी सुंगुर मार मार लटक मार 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 धर 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 धर। ये देखो ये अपने रक्षा कवच है, और वहाँ नीचे भाई काफी नीचे ना काफी नीचे रह गया हमारा टेंट, यहाँ से दिख रहा है बट फोन में नहीं दिख रहा, वहाँ नीचे रह गया, तो अब नीचे को चलते हैं। अभी बॉनफायर के लिए ना फिर से हम लकड़ियाँ ले आए हैं, तो काफ़ी सारी लकड़ियाँ हो गई, अब ये ना आग ना सुबह तक रहेगा, क्योंकि इसमें बांझ के कोयले हैं, और बांझ का कोयला कुछ ऐसा रहता है ना कि वो भाई दो दिन तक भी टिक सकता है अगर ऐसी आग रहेगी ना, तो जैसे अब बुझ गई तो दो दिन बाद ना वो बांझ के कोयले वैसे ही रहते हैं भाई अंदर से, बाहर से तो पूरा राख राख रहता है और अंदर से पूरे कोयले रहते हैं। और फिलहाल भाई जी अपने घर में बात कर रहे हैं, तो घर वालों को भी तसल्ली दे रहे हैं साथ में कि बल हाँ हम बल ठीक हैं बल। तो चलो भाई लेट चुके हैं अपने आसन वासन लगा के मस्त से, और अब तो ठंड का एहसास भी नहीं हो रहा, तो सो गए क्या? चलो गुड नाइट, चलो भाई गुड नाइट संतू भाई, गुड नाइट, ओके गुड नाइट है जी। सोते हैं, नींद की दवाई खा लेते हैं। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, प्रणाम पहलाग नमस्कार आप सभी है एक बार फिर से, तो काफ़ी बढ़िया सा माहौल हो रखा है अभी सुबह का, और ठंड का इतना खतरनाक प्रकोप की सर्दियां भी फेल है यहाँ, और अभी फिलहाल सुबह सुबह का माहौल कुछ ऐसा हो रखा है। तो दोनों हमारे पप्पूदा और दीपूदा के हाल समाचार सुनते हैं भाई। ओहो सो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, और भाई कल रात को ना हम चारों के चारों इसी टेंट में रहे, जो मेरा नया वाला टेंट है ना, तो उसी टेंट में बैठे रहे थे, और जो ये वाला संतू भाई का टेंट है ना, तो इसके स्टिक घर में भूल गए हम, जो डंडियां रहती है ना अटकाने वाली ऐसे वाली डंडियां, तो घर में भूल गए थे, तो ये बाहर से ऐसे था। और एक बार ही ओस देखो, ओस इतनी गिर रही है ना कि पानी देखो कैसे इकट्ठा हो रहा है भाई, ये देखो। बाकी दोस्तों कल रात को जो आवाज़ें आ रही थी ना, तो वो आवाज़ें ना ठीक इस साइड से आ रही थी, इस साइड से भाई यहाँ जंगल से आ रही थी, और आपने रात को ना खाना अलग रखा था ना, जिसके बाद आवाज़ें आना बंद हो गई थी, तो वो खाना हमने यहाँ पे रखा था भाई दोस्तों, ये देखो।
ये रखा था हमने वो खाना, तो यहाँ पे रखा था कुछ ऐसा करके। अब आ गई भाई दोस्तों थोड़ा थोड़ा धूप ना, तो अब हम भी अपनी थोड़ा सा जाने की तैयारी करते हैं, घर जाने की तैयारी करते हैं, फटाफट से निकलते हैं यहाँ से, नहीं तो हम ठंड में ना यहाँ मर जाएंगे भाई। तो लो भाई सुबह सुबह का ना ब्रेकफास्ट भी भाई लोगों का कुछ ऐसे हो रहा है कि कल रात की ना खिचड़ी बची हुई थी तो उस खिचड़ी को खा रहे हैं, बाकी हमारा तो मन नहीं है खाने का सुबह सुबह ना तो भाई लोग सटकाने में लगे हुए हैं, स्वाद आ रहा होगा अब तो, बासी खाने में ना जितना स्वाद आता है वो कहीं नहीं आता। फिलहाल जो लास्ट में ना काम बचता है घर जाते टाइम ना, तो वो कुछ ऐसा काम बचता है भाई। अब देखो अपने संतू भाई को इन्होंने ना काम पे लगा दिया, क्योंकि संतू भाई घूम घाम के थोड़े से फ्रेश हो गए हैं ना, तो तब जाके ये काम करना पड़ रहा है। तो चलो अभी हमने सारा सामान पैक कर लिया है, पूरा मस्त से कर लिया, बस इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे अब, क्योंकि आग यहाँ पे जला नहीं रहना देने ना, क्योंकि ना आजकल घास हो रखा है बहुत ज़्यादा, तो इस पे ना अब आग लगेगी तो फिर रुकने वाले नहीं है। वैसे तो अभी हरा है घास थोड़ा सा, पर फिर भी अपने हिसाब से ना हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। बाकी संतू भाई चलते हैं अब घर को सीधे, चलो यार टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अभी काम भी अभी काम वाम बहुत है, तो चलो अब निकलते हैं और यहाँ पे करते हैं वीडियो की एंडिंग। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राम राम, टेक केयर, बाय बाय। और आपको अगर कैंपिंग वीडियो बढ़िया लगी, प्यारा लगा, काफ़ी सुंदर लगा, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहाड़ी ब्लॉगर XYZ जो कि हमारे संतू भाई का चैनल है, एंड सचिन पवार ब्लॉग जो कि मेरा चैनल है, तो दोनों को प्यार देते रहना बराबर, इक्वल होना नहीं चाहिए कम ज़्यादा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों। तो दादा चले, ओके गाइस, बाय बाय।